सावन माह शुरू होते ही शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने भोले शंकर को जलाभिषेक करने निकल जाते हैं। पूरे सावन महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। पूरा सावन माह शिव का माह माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करने अपने आराध्य देव भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करने का वरदान मांगते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन भी सतर्क है। गोरखपुर से भी लाखों की संख्या में भक्त देवघर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। बुधवार को कांवड़ियों का जत्था नाचते गाते जल चढ़ाते निकला। ये लोग खुशी के माहौल में बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए। कांवड़ियों को कोई समस्या ना होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिव मंदिर की विशेष साफ सफाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएम के विजेंद्र पांडियन ने बताया। जल डालने जा रहा है देवघर बाबा बाबा नगरी देवघर पासुकीनाथ सभी कांवरिया बम बोलबम पे जा रहे हैं, मतलब बाबा की नगरी में जा रहे हैं। बोलबम में जाएंगे अंदर चल पाएंगे। अभी तो हम लोग को डायरेक्शन कल मिला था कहाँ कहाँ जो शिव मंदिर है और कहाँ कहाँ जो गंगा से कहाँ से पानी का जो निकटम स्थल है वहाँ से पानी निकल करके जो रूट किस रूट पे आएंगे उसी रूट पे हम लोग पूरा निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का टीम लगी हुई है, साथ साथ कितने लोग उनका जो कांवड़िया का सेवा करने के लिए तैयार है उन लोग को भी पहले परिचय पत्र और अनुमति के लिए हम लोग अभी एप्लीकेशन मांगा जा रहा था। हम लोग इस पर फिर ट्रैफिक डाइवर्शन और ट्रैफिक संबंधित मामला को भी पुलिस से बात करके उसी हिसाब से डाइवर्शन कर रहे हैं और इस बार हम लोग ज़्यादा जो इस पर जोर दे रहे हैं ताकि जो कांवड़ियाँ यात्रा के समय में किसी पब्लिक का कोई समस्या ना हो, ट्रैफिक का जाम ना हो और कोई लैंड ऑर्डर इशू ना हो, उसी का ज़्यादा फोकस हम लोग इस बार कर रहे हैं। इसलिए उसी हिसाब से पहले ही तैयारी हम लोग कर रखे हैं।